नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो मंथन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग की तरफ से सैमसंग M32 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और आज हम पूरे इसी वीडियो में देखेंगे क्या मोबाइल के कंटेंट है और क्या बॉक्स के कंटेंट है और क्या मोबाइल के फीचर है। दोस्तों ये जो मोबाइल मुझे मिला है मोबाइल अड्डा की तरफ से मिला है। अगर आप ये मोबाइल परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मेंशन है जहाँ पे आप इस मोबाइल को बहुत ही अच्छे प्राइस में और एक आसानी से बहुत अच्छी डील आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स की अगर मैं बात करूं बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम में यहाँ पे आपको गैलेक्सी M32 और सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड की बात करूं यहाँ पे आपको गैलेक्सी M32 की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर मैं बैक साइड की बात करूं यहाँ पे कुछ मोबाइल के हाईलाइट्स हैं, जैसे 64 मेगापिक्सल का आपका क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, विद 15W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करूं यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है दोस्तों, और यहाँ पे आपको मेक फॉर इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो ये थी बॉक्स की कंप्लीट डिटेलिंग। अब तो फटाफट से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं क्या है बॉक्स के कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को ओपन किया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मिल रही है सैमसंग की अंदर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मैं केस को फटाफट से निकालता हूँ बाहर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक सा पेपर वर्क लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बेसिक सा पेपर वर्क होगा। तो ये कुछ बेसिक से पेपर वर्क है, तो पेपर वर्क को मैं कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। तो फटाफट से फ़ोन को रखता हूँ मैं यहाँ पे साइड में और देखता हूँ चार्जर की तरफ। जो चार्जर आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। अगर मैं इनपुट की बात करूँ यहाँ पे आपको मिल जाता है आउटपुट रेटिंग 9V 1.67 A एंड 5V 2 A की आपको रेटिंग देखने को मिल जा रही है। तो ये थी चार्जर की डिटेल। चार्जर को मैं रख देता हूँ अंदर। अब मैं बात करता हूँ केबल की। केबल आपको मिल जाती है A2 Type-C केबल मिल जाती है। केबल की क्वालिटी ठीक ठाक है और सिम ट्रे पिन देखने को मिल जाती है जो कि एक अंदर है। तो ये थी फ़ोन की बॉक्स की कंप्लीट डिटेलिंग। तो इसको मैं कर देता हूँ फटाफट से साइड में और जल्दी से करता हूँ लेट से बाहर मैं मोबाइल को। तो लेट से मोबाइल को कर लिया है मैंने बाहर। अब अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 20 MP का आपको नॉच कैमरा देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड की बात करूँ यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम लॉकर, साथ में मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर विद पावर लॉक अनलॉक बटन। दूसरी साइड की बात करूं यहाँ पे आपको मिल जाता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट जहाँ पे आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड आप आसानी से लगा सकते हैं। टॉप की बात करूं यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। बॉटम की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे मुझे मिलती है 3.5 mm जैक, Type-C USB पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड प्राइमरी माइक्रोफोन। तो ये थी फ़ोन की कंप्लीट डिटेलिंग। अगर मैं बैक साइड की बात करूं यहाँ पे मुझे मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 MP 8+2+2 का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, डुअल LED फ्लैश मिल जाती है साथ में। अगर मैं बॉटम की बात करूं यहाँ पे मुझे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बात करी इसकी डिज़ाइन की, अगर मैं बात करूं इसके वेट की, तो इसका वेट है 196 ग्राम है। तो वेट बहुत ही ज़्यादा कम है अगर मैं बात करूं, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसका बहुत ही ज़्यादा ठीक है। आप एक हाथ से आप फ़ोन को ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये थी हैंड्स ऑन। अब मैं फटाफट से बात करता हूँ डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है 6.4 इंचेस की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 800 निट्स की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पे आपको मिल रही 90 हर्ट्स की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो फटाफट से चलते हैं सेटिंग की तरफ और देखते हैं क्या है सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे। यहाँ पे मैंने ओपन किया अबाउट सेक्शन को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मॉडल नेम सैमसंग गैलेक्सी M32 देखने को मिल जाता है। सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, IMEI नंबर देखने को यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं फटाफट से सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ ये सैमसंग बेस्ड है 3.1 UI पे। एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ यहाँ पे आपको मिलता है एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये आपका एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये थी कंप्लीट सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बैटरी की बात करूँ 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 6000 mAh बैटरी आप ये मान के चलिए, अगर आपका यूसेज बहुत ही कम है या फिर आप कॉल अटेंड करते हैं तो आप ये मान के चलिए 2 दिन तो आपको फ़ोन बिल्कुल ही चार्ज नहीं करना पड़ेगा। साथ में अगर मैं चार्जर की बात करूँ यहाँ पे आपको 15W का चार्जर मिल जाता है जो कि एक फास्ट चार्जर है। तो फटाफट से चलते हैं कैमरे की तरफ और देखते हैं क्या है कैमरे की क्वालिटी।
तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर सैंपल शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट के बाद में यहाँ पे आपको फोटो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे मोर पे आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डूडल प्रो, पैरानोमा, फूड का आपको अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर मैं फूड पे अगर क्लिक कर दूँ और यहाँ पे आपको एक ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो फोकस की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आपने यहाँ पे कोई भी पिक्चर को अगर क्लिक किया, तो पिक्चर क्लिक करने के बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे जूम करके, कैमरे की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर सैंपल शेयर करूँगा, आप मुझे देख के बताइए आपको पिक्चर कैसी लगी और आपको कैमरा इसका देखने को कैसा लगता है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो मुझे तो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को लग रहे हैं, तो मैं आपको कुछ फोटो शेयर करूँगा। तो फटाफट से चलते हैं, मैंने यहाँ पे एक वीडियो सैंपल है जो कि मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है, तो ये आप देख पा रहे हैं कितनी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो कलर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर देखने को लग रहे हैं आपको, आप साउंड क्वालिटी भी सुन सकते हैं। ये थी कहानी यही सैमसंग M32 की। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।